ब्रेन में मैसेज सेंड होता है, ठीक है। अब हमारे टंग में कौन कौन से, हम कौन कौन से क्लास थ्री कौन कौन से टेस्ट जो है वो हमें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हम जान जाते हैं ये कौन कौन से टेस्ट बर्ड टेस्ट हैं। अगर हम कोई सॉल्ट सॉल्टी चीज खाएं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज क्या है, सॉल्टी। जैसे आप लोग लेस खाते हो ना, तो लेस के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, इसी तरह आपको पता चल जाता है इसका फ्लेवर कौन सा है, बारबेक्यू फ्लेवर है, मसाला है, फ्रेंच चीज है, ये डिफरेंट फ्लेवर जो फ्लेवर्स हैं, और एक लेस का सॉल्टी भी है। ये हमें कौन हेल्प आउट करता है, हमारे टेस्ट बड्स हमें बताते हैं कि हमने कौन सा फ्लेवर जो है वो खाया है, और फिर मैसेज सेंड होता है ब्रेन को, और ब्रेन थ्रू द नर्व फिर हमें दोबारा टेस्ट बड्स के थ्रू हमें क्लास थ्री बताता है कि कौन सा टेस्ट है, सॉल्टी है और सोर। सोर कौन सा टेस्ट होता है क्लास, एक होता है सोल्ट, एक होता है सोर, और फिर एक बिटर, और लास्ट इज स्वीट। सॉल्टी, सोर, बिटर एंड स्वीट, ये सारे डिफरेंट टेस्ट वर्ड्स जो हैं वो हमारी यहां टंग पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर टंग से हमें पता चलता है कि फिर वो नर्व्स को मैसेज सेंड करती हैं, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने सॉल्टी कुछ खाया है, सोर है, बिटर है, स्वीट है। सोर का मतलब होता है खट्टा, बिटर का मतलब होता है कड़वा। सोर, अब जैसे ऑरेंज जूस होता है वो हमें कभी कभी सोर लगता है, पिकल, अचार, अचार हमें क्या लगता है जैसे, और जो करेला है ठीक है वो भी हमें कभी कभी बिटर लगता है कि हम कहते हैं हमने ये वाली वेजिटेबल नहीं खानी। और सोर जो है वो ऑरेंज जूस से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि सोर का फ्लेवर कैसा होता है, खट्टा और स्वीट। तो आप सबको पता है कि कैंडीज आप सबको पसंद है, चॉकलेट्स हैं जो आप सब खाते हो, तो ये स्वीट का टेस्ट है। ये सारे टेस्ट बड हमारी टंग पर प्रेजेंट होते हैं और ये हमें बताते हैं कि हमने किस तरह कौन सी चीज जो है वो खाई गया। और लास्ट कौन सा था सेंस ऑर्गन हमारा क्लास थ्री, स्किन। स्किन स्किन जो है क्लास थ्री, आपको पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है स्किन, अच्छा ये मुझे बताएं सारे। स्किन जो है एक ऐसा सेंस ऑर्गन है क्लास थ्री जो हमारी फुल कंप्लीट बॉडी पर प्रेजेंट होता है, आपको पता है इस बात का। अच्छा कौन सा हमारा बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसपे स्किन नहीं है, कोई ऐसा, देखो सारे अपनी बॉडी को देखो, कोई ऐसा पार्ट नहीं है। देखो हमारे फुल आर्म पे जो है वो प्रेजेंट है स्किन, हैंड पर, फिंगर्स पर, सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिन पर सेंस स्किन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह क्लास हमें कोई भी चीज़, जैसे ये टच होती है ना, कोई भी चीज़ हमें टच हो रही है हमारे हैंड पे या कहीं भी किसी भी जगह, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि कोई चीज़ टच हुई है। अब वो चीज़ सॉफ्ट भी हो सकती है और वो चीज़ हार्ड भी होती है, ठीक है। कुछ चीजें सॉफ्ट होती है और कुछ चीज, अच्छा क्लास आपको पता है एक ऐसा प्लांट है जो कि हम उसको टच करते हैं वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ऐसे करके, हम उसको टच करेंगे। आप सबने ये काम करना है, आपने एक यूट्यूब पे सर्च करना है, एक ऐसा प्लांट है उसका नेम मैं आपको बता देती हूँ, मी मोसा प्लांट है इसका नाम, मी मोसा प्लांट। ऐसा प्लांट है क्लास थ्री जो कि आप इसको टच करोगे ना इस प्लांट को, तो वो फौरन बंद हो जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको हम कहते हैं ये सेंसिटिव प्लांट है, और ये इसका नेम क्या रखा हुआ है, मीमोसा प्लांट। मीमोसा ऐसा प्लांट है जो अगर इसको टच करेंगे ना ये फौरन बंद हो जाएगा, ठीक है। और हमारी स्किन जो है वो हमें हेल्प करती है किसी भी चीज़ को फील करने के लिए, कि हमने कुछ भी फील करना है, ये कौन बताता है, हमारी स्किन हमें बताती है। इसी तरह मिमोसा प्लांट को आप टच करोगे ना, तो वो मिमोसा प्लांट जो है आप देखोगे वीडियो में कि वो फौरन बंद हो जाएगा, आप उसके जिस पार्ट को भी टच करोगे। अब स्किन में से मैसेज कैसे जाता है, स्किन में भी क्लास थ्री हमारी स्किन के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स, नर्व्स प्रेजेंट होती है, और नर्व्स मैसेज सेंड करती हैं हमारे ब्रेन को, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमारी बॉडी पे कौन सी चीज जो है वो टच हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई एक बॉडी पर हमें कभी कुछ पेन फील होता है, हमें कोई चीज लगती है, कोई भी छोटी सी बारीक सी पिन लगती है, जैसे ये एक लेड है ना, लेड जो पेंसिल का लेड, अगर आप अपनी बॉडी पर ऐसे टच करो, जोर से प्रेशर से टच करोगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा पेन फील होगी, नॉर्मली टच करोगे तो आपको कम फील, पेन जो है वो फील कम होगी। इसी तरह
हमारी स्किन जो है वो हमें हेल्प आउट करती है, हमारी कोई भी चीज़ हार्ड हो या सॉफ्ट हो, ये हमें